अगर किस्मत हो परदेश में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की ताजा ब्रेकिंग कि हमारे देश के मजदूरों के लिए अपना वतन हो अथवा परदेश हो, हर जगह बेदर्द हाकिम है। जो कल रात का नज़ारा देखा, जो पूरे देश का हाल देखा, बहुजन समाज का जो त्रासदी देखा है, उसके ऊपर आज मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश के ऐलान मंत्री हमेशा 8 बजे रात में आते हैं, ऐलान कर देते हैं। क्या ये नोटबंदी थी जो लोग जमाखोरी कर लेता? अगर वह 2 दिन 3 दिन का मोहलत देकर फिर अगर लॉकडाउन करते तो क्या बिगड़ जाता? हम जानते हैं 130 करोड़ की आबादी में जो है 29 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 19 करोड़ लोग एक टाइम का भोजन नहीं मिलता, भुखमरी के शिकार है। ऐसे देश में कंप्लीट लॉकडाउन क्या सफल होगा? 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उन्होंने ऐलान किया था और पूरे देश के लोगों ने ताली और थाली बजाई थी। बचपन में हमने सुना था कि अंधविश्वास ही सही, लोग कहते थे बर्तन मत बजाओ नहीं तो दरिद्र हो जाओगे। पूरा देश दरिद्रता का शिकार है और ऐलान मंत्री को कोई फिक्र नहीं। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं हमने 100 करोड़ रुपये दिए केंद्र को ताकि दिल्ली में बैठे बिहार के मजदूरों की व्यवस्था किया जाए। कहाँ है वो 100 करोड़? मैं आपको बता दूं, बस के फर्श पर बैठने के 1000 रुपये किराया, छत पर बैठने के 500 रुपये किराया, टैंकर पर अगर बैठ जाओ तो 300 रुपये किराया। कुछ तो रेलवे लाइन का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि ये मजदूर ऐसे हैं जिनको अपने घरों का पता मालूम नहीं। पता मालूम है तो रास्ता मालूम नहीं कि किधर से जाएं, पैदल निकल पड़े। बीवी बच्चे मतलब गर्भवती महिलाएं भी घर छोड़कर निकल गई। रही बात ये कि अब प्रश्न यह उठता है कि लॉकडाउन में निकले ही क्यों, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पूरे देश से ये प्रश्न कर रहा हूं कि भूख कितनी देर बर्दाश्त करे। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, यानी 21 तारीख के शाम तक सब कुछ ठीक था और 22 तारीख से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये मजदूर 28 तारीख को अपने घरों से निकले। और सरकार ने व्यवस्था क्या किया? रही बात ये दिल्ली सरकार, अब कल से इन्होंने स्कूलों को शेल्टर होम बनाया है, खाना देना शुरू किया। क्या आपको लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति 6 दिन तक बगैर अन्न पानी का रह पाएगा? और इसमें भी एक राजनीति जो कहते हैं कि कमीनापन का हद हो जाए। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी काटा और केजरीवाल के मंत्री ये कहते हैं कि आप देख रहे हैं मैं सड़कों पे काम कर रहा हूं, मैं घर में बैठकर रामायण नहीं देख रहा। यह राजनीति हो रही है। सच है, जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ था वहां का जो हिटलर था वो लोकप्रिय था। हमारे माननीय ऐलान मंत्री जी लोकप्रिय हैं, पूरा देश ने ताली और थाली बजाया, लेकिन इन गरीबों इन मजदूरों के लिए सोचने वाला कौन है? किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सामने आकर कहा कि इसको खाना मैं खिलाऊंगा, जगह मैं दूंगा? टीवी पे नजर आते हैं, मीडिया के सामने कैमरे पे नजर आते हैं, जमीन पे नजर क्यों नहीं आते हैं? अपने अपने एसी रूम से बाहर निकलकर 2 मीटर की दूरी से अपना अपना प्रवचन देते हैं। मैं आज देश के हुक्मरानों से सवाल कर रहा हूं कि इस देश में कब तक भेदभाव चलेगा? पैसे वाले अमीरों को आपने यूरोप से हवाई जहाज में बिठाकर ले आते हैं, इन गरीबों के लिए एक खटारा बस भी आपके पास नहीं था। आपने ट्रेन रोकी, बस रोकी, लॉकडाउन किया। हम आपसे ये पूछते हैं, कोरोना वायरस मानवता के लिए दुश्मन है, आइसोलेशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, परंतु ये गरीब को मरने का हक केवल भूख से है, कोरोना से नहीं है।
क्योंकि कोरोना वाले के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस गरीबों के लिए व्यवस्था कौन करेगा? और ये बहुजन समाज आज तक जिस मुगालते में जी रहा था, सच उसके सामने आ रहा है। लोग सड़कों पे निकल गए। कल रामगढ़ में एक बच्चा मिला जो रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा था। 27 दिन में वो झारखंड पहुंच गया, जबकि वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। कौन किधर जा रहा है, भय का माहौल बना हुआ है। मजदूरों को समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुजन समाज के बीच घूमता हूं, मैं देखता हूं इनमें कितना एजुकेशन है। यहां तक हमारे चैनल को भी इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल को मुंह से लगाकर बोलते हैं बिहारी सुल्तान, और तब जाके कोई भी वीडियो आगे पीछे का देखकर खुश होते रहते हैं। ये वो समाज है जिनको रास्ता मालूम नहीं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनको स्टेशन पर क्या लिखा हुआ है यह नजर नहीं आता, नजर भी आता है तो समझ नहीं आता। ऐसे समाज के लिए आपने क्या किया? कोई गाइड खड़ा किया जमुना एक्सप्रेस वे पे? कम से कम 50 जगह एक एक आदमी भी खड़े कर देते जो गाइड करता रहता, जो खाने पीने का व्यवस्था कर देता। हम समझते हमारा सरकार जागरूक है, लेकिन सरकार तो बस ऐलान करती है। 8 बजे रात में आते हैं, कहते हैं आज 12 बजे रात से जो है लॉकडाउन है, जैसे कि इन्होंने 1000 और 500 के नोट बदले थे। ऐसी हमारी सरकार है, और ऐसे सरकार में जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? कोरोना से तो बच भी जाए एक बार के लिए, लेकिन भूख से कैसे बचेगी? लोग जो गटर वाले पाइप में रह रहे हैं, उनके सामने खिचड़ी पॉलीथीन में फेंका जाता है, वो जानवरों की भांति उठा उठा कर खा रहे। मीडिया वाले और ये पुलिस वाले सड़कों पर खड़े देख रहे हैं सब कुछ। क्या इसी दिन के लिए सरकार चुनी जाती है? अगर सरकार ना भी होती तब भी लोग कोरोना से तो अपना बचाव करते ही, सामाजिक जो भी जागरूकता होती वह होती ही, लेकिन सरकार ने क्या किया? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। हमने बचपन से सुना प्रधानमंत्री राहत कोष, क्या कभी प्रधानमंत्री राहत कोष में कितने पैसे डाले गए और उस पर कहां कहां खर्च हुआ, कभी कोई विवरण आपने देखा है, सुना है? हाथ पसार देते हैं कि जनता अब जो है सहयोग करे, जनता सहयोग करेगी, लेकिन क्या आप दिमाग साफ करके लोगों के बीच आकर आप ये कहेंगे कि इतने पैसे आए, यहां यहां खर्च किया, इन इन लोगों के ऊपर खर्च किया? डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया है, तो सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। रही बात ये कि हर चीज डिजिटल करेंगे, लेकिन राहत कोष में कितने पैसे आए, कौन सा मंत्री क्या बयान दिया, किस सरकार ने कितना पैसा दिया, ये डिजिटल क्यों नहीं? जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, कि लोग क्यों बिहार में घुस रहे हैं, बिहार के लोग तो बिहार में घुसेंगे ही, आप रोकने वाले कौन होते हैं? और जनता दो दो हाथ करेगी, लोकतंत्र है और सामने चुनाव भी है, चुनाव में जनता जवाब भी देगी। बस यही है कि देश की जनता जो है आपको अच्छा मानकर, अपने आप को सुरक्षित समझकर चुनकर बिठाया था, और बैठते ही आप महादेव बन गए, सीधे फरमान जारी करने लगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यहाँ तक घर में बैठ के रामायण दिखाते हैं, बाहर भूख का महाभारत शुरू हुआ पड़ा है, लोग रोटी के लिए मारपीट कर रहे हैं। एक बच्चा तो ऐसा कह रहा था कि मोदी जी हाथ जोड़ता हूं, एक दिन के लिए रेलगाड़ी शुरू कर दो, जीवन में कभी दिल्ली नहीं आऊंगा। इस तरह से भयभीत हो चुका है पूरा समाज। कम से कम हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो भी आदेश किया है उसके लिए सबसे पहले टास्क फोर्स बना लें, जैसा कि आपने कश्मीर में टास्क फोर्स बनाया था धारा 370 हटाने के लिए, आपने जब नोटबंदी की थी सारे बैंकों को तैयार कर दिया था। आज कम से कम इन मजदूरों को कुछ कीजिए। योगी जी ने 200 बस स्टार्ट किया वो उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देश में दो ही मुख्यमंत्री बार बार टीवी पे आ रहे हैं, केजरीवाल या योगी जी, बाकी राज्य के मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, सब अपने अपने छुप गए हैं। ऐसा क्यों? क्या सबकी पोल खुल रही है? जनता जवाब भी देगी, सवाल भी करेगी, और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत दिखाएगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।